दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घोषित हुई भारतीय टीम, साथ ही केएल राहुल को मिली भारतीय टीम की कमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोर्ट की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है आज की पूरी खबर, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं उपकप्तान के लिए ऋषभ पंत को चुना गया है। इस टीम ने दिनेश कार्तिक को भी जगह दी है। उनके हाल के प्रदर्शन के देखते हुए BCCI की चयन समिति ने उन्हें, कार्तिक के अलावा कई अन्य नए खिलाड़ियों को भी टीम में मौका दिया गया है। चयनकर्ताओं ने टीम चयन के दौरान IPL में दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी ध्यान रखा है। टीम चयनकर्ताओं ने लखनऊ सुपर जायंट के शानदार गेंदबाज आवेश खान, सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षल पटेल को इस सीरीज में शामिल किया है। यह सीरीज दिनेश कार्तिक की वापसी के लिए बहुत ही खास होगी। कार्तिक ने IPL में मैचों के दौरान शानदार खेल दिखाया है। माना जा रहा है कि इसी कारण चयनकर्ताओं की नज़र उन पर पड़ी और टीम इंडिया में वापसी के लिए रास्ते खुले हुए हैं। बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 जून से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा जबकि दूसरा मैच कटक में 12 जून को खेला जाएगा। वहीं तीसरा मुकाबला 14 जून को और चौथा मुकाबला 17 जून को खेला जाएगा। इस सीरीज का आखिरी मैच बंगलुरु में 19 जून को खेला जाएगा। इस सीरीज के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे के लिए सीरीज खेलने उतरेगी। भारत की T20 टीम में केएल राहुल कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर उपकप्तान, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, विक्रेश्वर अय्यर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक को शामिल किया है। तो दोस्तों आज की अपडेट बस इतना ही, और साथ ही आपको क्या लगता है और किन खिलाड़ियों को इस मुकाबले में मौका दिया जाना चाहिए, आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।